गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने के कारण बीएड काउंसलिंग की समय तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिषद के महामंत्री सौरभ गौड़ के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने की मांग की। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सहित संगठन के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एबीवीपी के सदस्य अभिषेक हरि सिंह और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर एसके दीक्षित ने कहा, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रह्म मातरम वंदे मातरम, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे तो विद्यार्थी परिषद कुलपति जी से या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से ये मांग करता है कि या तो रिजल्ट एक दो दिन में निकलवा दिया जाए या कोई और व्यवस्था करवाया जाए जिससे वो विद्यार्थी जो है काउंसलिंग से वंचित ना हो सके, क्योंकि उनकी क्या गलती है कि वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पा रहे हैं। की पहले तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, आप देखिए कब से है तो उसके अनुसार हम जी ये कहने का मतलब है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले सर सभी स्कूल का मार्कशीट या तो आ जाए, अगर मार्कशीट नहीं आ पाता है तो कोई ऐसा नियम निकाला जाए ताकि वो विद्यार्थी काउंसलिंग बैठ पाए। बाहर वालों के लिए गोरखपुर बड़ी है, कोई एग्जाम पढ़ा है लेट होता है और उसके लिए सर वार्निंग तारीख को अभिषेक हरि सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जो है जो बीएड 2019 बीएड की काउंसलिंग हो रही है उसमें विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी तक बहुत सारे महाविद्यालयों में प्रैक्टिकल तक नहीं करा पाया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है बीएड काउंसलिंग से वंचित होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर के अभी विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो है संवेदना जो है देखने को नहीं मिल रही है। कुलपति जो है छुट्टी पर हैं, कुल सचिव ट्रांसफ़र हो गया है, परीक्षा नियंत्रक तक छुट्टी पर चल रहे हैं, क्या करने वाला है? आज लास्ट डेट है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की, उसके अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर लेकर के। और आर्ट के डीन हुए, चाहे किसी भी वाणिज्य के डीन हुए, कॉमर्स के डीन हुए, लेकिन अभी तक डीन लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। डीन की कमेटी इस पर तय करती है कि हर महाविद्यालय में जाकर के कौन प्रैक्टिकल कराएगा, लेकिन वो सिर्फ अपने लोगों को भेजने के नाते अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है। इसमें मांग की गई है कि अभी तक जिसका रिजल्ट अपूर्ण है उसका जो है रिजल्ट उसको दिया रिजल्ट घोषित किया जाए, और जिसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है दो दिनों के अंदर उन सभी लोगों का प्रैक्टिकल करा करके रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। छात्र बीए थर्ड ईयर के परीक्षा फल के नाते आज मुझसे मुलाकात किए हैं। इनकी मांग है कि बीए थर्ड ईयर का परीक्षा फल घोषित हो जाना चाहिए, जिससे जो आगामी दिनों में बीएड की काउंसलिंग होने वाली है उसमें हमारे विश्वविद्यालय के छात्र कोई वंचित ना हो। तो उनकी मांग जायज़ है, लेकिन हम लोग भी पहले से ही सावधान हैं और हम लोगों ने जो है 4 तारीख को एक बैठक की थी जिसमें परीक्षा नियंत्रक भी थे, उनसे कहा गया है कि आप रिव्यू कर लें कि बीए थर्ड ईयर के सारे रिजल्ट जो है जल्दी से निकल जाने चाहिए, और सभी छात्रों को हमारे जो अफिलिएटेड कॉलेजेज हैं उनकी भी उनकी मार्कशीट मिल जानी चाहिए, जिससे हमारे विश्वविद्यालय संबद्ध कोई महाविद्यालय के छात्र जो है बीएड काउंसलिंग में छूट न पाएं। तो हम लोग इस पर सजग हैं, और अभी मैं जो है परीक्षा विभाग को इसको बुलाता हूं और उनसे देखता हूं कि किन महाविद्यालयों को नहीं हुआ है उसका क्या कारण है, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं।